नेक्स्ट असाइनमेंट है मिल्क चिलिंग सेंटर। मिल्क चिलिंग सेंटर कैपेसिटी रहेगा 20,000 लीटर ऑफ मिल्क पर डे। आपने ये रूम बनाना है, रूम का साइज रहेगा 12 मीटर बाई 12 मीटर। इसमें आपने डबल जैसे आपने वॉल की थिकनेस वही सेम 20 सेंटीमीटर थिक वॉल लेनी है। पहले जस्ट आप देखिए एक स्क्वायर पीस बनाएंगे, 12 बाई 12 का एक स्क्वायर पीस बनाइए। उसमें आपको वॉल थिकनेस लेना है 20 सेंटीमीटर थिक वॉल। देन फिर आपने साइड पर बीच में एक लाइन ड्रा कर लेनी है, पार्टीशन लाइन। फिर उसमें आपने इतने पार्ट में आपने ऑफिस ड्रा किया। देन दिस इज द एंट्रेंस ड्रा की, दिस इज द वॉशिंग यूनिट एंड दिस इज द बॉयलर सेक्शन। जैसे मैंने यहाँ बनाया है, ये ऑफिस का पार्ट है, नेक्स्ट लैब है टेस्टिंग वगैरह के लिए। दिस इज एंट्रेंस, एंट्रेंस जो रहेगी वो 1.5 मीटर का है। और दिस इज द वॉशिंग यूनिट एंड दिस इज द वॉशरूम एंड दिस इज बॉयलर रूम। देन आपने रिसेप्शन डॉक बनाया है, रिसेप्शन डॉक का लेवल जो है रेस्ट लेवल पे बनाना है आपने। और थ्री स्टेप्स दिखाने हैं, थ्री स्टेप। वन स्टेप इज 25 सेंटीमीटर ट्रैक, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ट्रैक रहेगा 25 सेंटीमीटर। दिस इज द रिसेप्शन डॉक, 1.5 मीटर इसका विड्थ रहेगा, लेंथ आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। देन दिस इज ए, यहाँ पर आपने सेक्शन डॉक में फार्मर ड्रिंक्स कमरे टू द रिसेप्शन डॉक। देन दिस इज पावर इंटेक, इन द कैंस में फार्मर ने मिल्क लाया। दिस इज ए पावर इंटेक कन्वेयर, इसमें आपने फुल कैंस जो है आपने यहाँ तक लेकर आए आपने। दिस इज ए कन्वेयर, पावर इंटेक कन्वेयर, आपने फुल कैंस यहाँ पर आपने लोड कर दिए। आफ्टर एम्प्टिंग द कैंस, यहाँ पर रोटरी कैन वॉशर बना हुआ है, डाया इज 1.5 मीटर। ये आपको साइड में उसमें डायग्राम भी दिया गया है, रोटरी कैन वॉशर। कैंस को वॉश होने के बाद आपको दोबारा रीलोडिंग के लिए आपने फिर कन्वेयर बनाया। खाली कैंस को, एम्प्टी कैंस जो है दोबारा से सेक्शन डॉक पे आएंगे। दिस इज ए पावर इंटेक कन्वेयर और दिस इज आफ्टर रीलोडिंग के लिए एम्प्टी कैंस जो है आपने इसमें लोड करनी है। दिस इज ए वेव बाउल, इनके साइज आपको मैंने ऑलरेडी डायग्राम में दिए हुए। दिस इज ए वेव बाउल, ये आपने विथ स्केल बनाना है आपको। दिस इज डम टैंक एंड दिस इज ए पिट। आप देखते होंगे रिसेप्शन डॉक पर, जैसे आपने एक्सपेरिमेंटल डेली में कभी विजिट हुआ हो तो आपने देखा होगा वहाँ एक पिट बना हुआ है। पिट के अंदर जो है डम टैंक होता है, ऊपर एक वेव बाउल लगा होता है जहाँ जिससे आप मिल्क को वेव कर सकते हो। ये मिल्क वेव हुआ, डम इकट्ठा हुआ आपने, फिर वो पिट के अंदर डम टैंक हुआ। देन उसके बाद चिलर है, मिल्क को चिल करने के बाद आपने पंप के थ्रू, दिस इज ए सिंबल ऑफ पंप करने के, पंप से आपने दीज आर बोथ टू स्टोरेज टैंक 11,000 लीटर पर डे वाले, 2 11,000 में टू स्टोरेज टैंक्स है। देन आपने स्टोर द मिल्क इन द स्टोरेज टैंक्स। आफ्टर देन फिर दोबारा चिलिंग करने के बाद यहाँ पर फिर आपने चिल किया इनको, आफ्टर चिलिंग द मिल्क इज ट्रांसफर टू द टैंकर्स में स्टोर किया और डिस्पैच टू द मिल्क प्लांट। ठीक है, जो ये पिट बना होता है वो नीचे लेवल पर होता है, 1.2 मीटर डीप होता है पिट। तो इसके लिए पिट में उतरने के लिए आपने 3 स्टेप्स दिखाने हैं। ठीक है, वही स्टेप की विड्थ वही 25 रहेगी, लेंथ इसका आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, 1 मीटर लीजिए। पर स्टेप का जो रहेगा वो ट्रैक जो रहेगा वो 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। यहाँ भी आपने 3 स्टेप्स दिखाने हैं, ये पिट में उतरने के टाइम भी आपने 3 स्टेप्स दिखाने हैं। ठीक है, और ये जो इसका विड्थ रहेगा वो 1.5 मीटर है और स्टेप्स आपको 3 दिखाने हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। लैब के अंदर आपने ये शेल्फ प्रोवाइड करनी है, शेल्फ की विड्थ मैंने आपको पहले भी बताया 60 सेंटीमीटर विड्थ है, लेंथ आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। दिस इज ए ऑफिस जो आप बनाएंगे वो टेबल है, दिस इज ए सिंबल ऑफ चेयर। ऑफिस में आपको टेबल और चेयर दिखानी है और फॉर द स्टीम रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि आपको कैच वॉश करनी है उसके लिए आपको नेचुरली है कि स्टीम की जरूरत है, तो स्टीम के लिए आपको ये बॉयलर दिखाया गया है। दिस इज ए सिंबल ऑफ बॉयलर और दिस इज ए एयर कंप्रेसर फॉर कूलिंग रूम के लिए यूज किया जाता है। दिस इज स्टोव है और दिस इज ए वॉशरूम। ये इस हिसाब से आपने ये चिलिंग सेंटर का लेआउट प्रिपेयर करना है। और आपको ऑलरेडी मिल्क कलेक्टिंग के भी टूल्स मैंने लेआउट्स दिए हुए हैं, वो
वो भी आप अपना टाइम पर सबमिट करिए। दिस इज आल्सो मिल्क, देन ये मिल्क चिलिंग सेंटर है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देन ओके, आप इसको प्रिपेयर करिए, इसके बारे में लिखिए, आप जो लिखना चाहते हो अपनी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे मैंने साइज 12 मीटर लिया है, 12x12 का लिया, आप 13 भी ले सकते हैं, और राइटिंग पार्ट भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना कि एड्रेस आपकी मिल्क चिलिंग सेंटर की आपकी यहाँ से है, ऑफिस वगैरह में लैब की एंट्रेंस इधर से है। ये जो बनाया हुआ है आपको एक रेक्टेंगल, दिस इज ए पैर ड्राइंग, जैसे आप एंटर करते हो किसी भी प्लांट में कि आपके पैरों की डस्ट अंदर नहीं जाए, इसलिए ये जस्ट एक पैर ड्राइंग बना होता है, ये आपने बनाना है।